आज मुझे कुछ नया अप्रोच लेना पड़ेगा और डू समथिंग डिफरेंट कि जो जजेस हैं उनको मैं इम्प्रेस करूं एंड नाम का शेफ कोट पाने का और फिनाल उनके बारे में और कुछ नहीं बोलेंगे, अब बोलेगा तो सिर्फ उनका रिकॉर्ड, वो देखिए। इंटरनेशनल क्रिकेटिंग लेजेंड एंड ऑथर ऑफ टू कुक बुक्स मैथ्यू हेडन। हेलो, Oh my God, Matthew Hayden को अपने सामने खड़े होके देखना, I can't believe it. कि जो मेरा सिडनी का ट्रिप है, ये better से better होता जा रहा है। ऐसे लोगों को मिलना, ऐसी जगहों में आना मैंने कभी नहीं सोचा था। So Matthew, from being a world champion cricketer to the world of cookbooks and organic farming, how has the transition been? Yeah, well, I suppose there hasn't really been much of a transition in terms of before there was a cricket. मैं बस यही होप कर रही हूँ कि ये मास्टर शेफ की मेरी आखिरी डिश या आखिरी कुकिंग ना हो एंड मुझे आज मेरे नाम का शेफ कोड मिल जाए। आशिमा, आज की जो डिश बनाई है उसका नाम क्या है? मैंने ग्रिल बारबेक्यूड प्रॉन्स बनाए हैं, साथ में एक स्मोक्ड मशरूम का डक्सेल है एंड एक एवोकाडो एंड मैंगो का सैलेड है, साथ में एक लेमन कर्ड है एंड चार्ड कॉर्न्स है। Matt, are you happy with the presentation? Yeah, excellent. क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा opportunity मिलती है and I am one of them. I will just remember this all my life. Ashma, well done. Thank you. I love the combinations, the slight use of fennel through the salad. The prawns were cooked really well. Thank you. आपकी जो basket थी, उसके अंदर बहुत strong barbecue ingredients थे. Competition के इस level पे हर कोई अच्छा खाना बनाता है and I'm really hoping कि जैसे उन्हें आशिमा की dish अच्छी लगी है, उन्हें मेरी भी dish अच्छी लगे. Matthew Hayden मेरा food taste कर रहे हैं and I'm really hoping कि उन्हें वो dish पसंद आए. I'm just waiting to hear his comments. And I got. As I stand here, my mouth and palate is actually buzzing. And what I've really liked here is the combination and the superstar between the peach, which is very, very sweet and seasonal at this time, with the honey offset against the smokiness of the barbecue taste of the chicken. So I think those flavors, they lend themselves together to have a very nice balance. And at the end of the day, it's constructed in a way that it's all about enjoyment of your food and enriching. Is perfectly cooked. जो आपका बैंगन है, honestly, that's the star of the show. अगर आपकी स्क्वाश की बात करें, लेकिन फ्लेवर में भी मुझे काफी ऑर्डिनरी लगी. एक ऐसी एलिमेंट नहीं है जिसने आपकी डिश को नेसेसरीली आगे बढ़ाया हो. ओवरऑल अगर मैं इस डिश को देखूं तो इट्स अ गुड होम स्टाइल बारबेक्यू. बट क्या ये डिश आपको मास्टर शेफ के फिनाले में जगह दिला सकती है, ये देखना होगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. So some good, some not so good. इस तरह के कॉमेंट मिल रहे हैं. Rating है, it's not very nice, but it's not an ugly plate either. मुझे पता है कि मैं इससे अच्छा कर पाती. Samantha, अगर presentation की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास समय सबसे ज्यादा था. Yes. उसके हिसाब से आपकी डिश थोड़ी वीक. आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज थी लास्ट 5 मिनट्स में, क्या क्या प्लेट में रखू क्या ना रखू. चले देखते हैं और इन सैफ्रन कलर्स आपको फिनाले तक पहुंचाते हैं. Tough bucket. I really enjoy the flavors. Thank you. सबसे मुश्किल बास्केट, सबसे ज्यादा समय.
और मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपने बहुत इंसाफ किया है ये ऑस्ट्रेलियन इंग्रेडिएंट्स के साथ। थैंक यू शेफ। जैसे आपने वो एक रोल बनाया कैनोली की तरह, इमेजिनेशन आपकी पूरी थी, फ्लेवर्स आपके पूरे थे, पर अब देखना यह है कि क्या यही ब्रॉन्ज मेडल वाली बास्केट आपको फिनाले में एंट्री दिलाती है कि नहीं। सबको आज मिक्स कमेंट्स मिले हैं, मुझे भी मिक्स कमेंट्स मिले हैं। I am ecstatic. I can't believe it. मुझे शेफ कोट मिल गया है। This is the best moment of my life. आशिमा कैसा लग रहा है? I seriously can't believe it. मैं बार बार अपना नाम पढ़ रही हूँ। सच में मेरा नाम है। I am just so happy by the fact कि my parents will be so proud. I can't wait कि I want to just meet them and tell them कि I have done it.